जी मैं राणा मोहम्मद रमजान ला न्यूज़ ब्यूरो चीफ जिला झंग। नाज़रीन आज हमने जो प्रोग्राम कर रहे हैं उस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि TMA म्यूनसिपल कमेटी के लिए जो कि आदर राजा साहब अपने CM ID पर बहुत छाए में है कि जी राजा साहब ये कर रहे हैं, राजा साहब वो कर रहे हैं, राजा साहब क्या कर रहे हैं, उनकी असलियत आज हम आपको दिखाते हैं कि राजा साहब क्या कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं। जी हमारे साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंग रोड गली सागर टेंट वाली में। यहाँ पर जो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये देखे गटरों के ढक्कन जो भी है ये भी TMA वाले उठा के ले गए और कहते हैं कि TMA बहुत काम कर रही है, TMA कमेटी बहुत काम कर रही है। क्या काम कर रही है कि अपने आप ही अपना सामान उठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ पर मोहल्लेदार सराफा एहतजाज हैं, आए हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे इस चीज़ के बारे में राय लेते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, ये मसाइल जो है ये कब से है, कोई यहाँ पर कभी TMA वालों का कोई मुलाजमीन आया है कि नहीं आया? कोई भी नहीं आया। ये हमारा घर है साथ और ये उसके बिल्कुल सामने गटर का ढक्कन उतरा हुआ है और ये रात को 1:30 बजे सफाई करने वाले इनके आए हैं और वो ये ढक्कन सफाई करने के बहाने ढक्कन का ये कढ़ाई उतार कर ले गए हैं हमारे 4-5 गटरों का। और सुबह को हमने देखा है ये सारे कड़े कोई नहीं है, इनके हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इधर फिरते हैं, एक दो बच्चा तो गिरा भी है इसमें, हमने निकाला है गिरा। और ये इनको शर्म नहीं आती ये TMA वालों को, ये जो कर रहे हैं ये बगैर थी, ये रात को 1:30 बजे सफाई के लिए आए हैं ये और ये कड़े उतार के लेंगे हैं इनके मुलाजमीन। बच्चे हमारे एक दो बल्कि गिरे हैं इसमें, हमने निकाले हैं बच्चे। ना गली में सफाई है, ना कोई सफाई करने वाला आता है इस गली में, ना कोई मुर्दाबाद। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये जो मोहल्लेदार है इनका गुस्सा देख रहे हैं कि ये काबले, मैं तो यही कहूंगा कि इनके लिए ठीक है लेकिन इनको ये वाकई में इनको शर्म नाम की इनके पास से कोई चीज़ गुजरी ही नहीं है। लेकिन हम इन मोहल्लेदारों की आवाज़ बनेंगे, हम इनकी आवाज़ को उजागर करेंगे और इन आए हम इनसे और भी यहाँ पर लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम जी। अच्छा अकरम साहब, ये आपके मोहल्ले में ये जो हिसाब किताब बना हुआ है, कभी आप लोग TMA के दफ्तर गए कि नहीं गए, या यहाँ पर कोई लाइटिंग शाइटिंग का भी कोई इंतजाम है कि नहीं है? इस मोहल्ले में तो पहले तो कोई वाली वारस ही नहीं है, TMA तो बड़ी दूर की बात है। हम कई मरतबा गए हैं लाइटों के लिए मगर लाइटों का कोई इंतजाम नहीं, कहते खुद अपने पास से लगवाए।